नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सपना नर्सरी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे करी पत्ते के पौधे के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास ये करी पत्ते का पौधा कम से कम 12 इंच के पॉट पे लगा हुआ है। करी पत्ते के पौधे ये में काफ़ी कई तरह के औषधीय गुण होते हैं, इससे में कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, कड़ी पत्ते का पौधा आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और बीज से भी लगा सकते हैं। कटिंग से लगाना इसे बहुत ही आसान है। कड़ी पत्ते के पौधे के बारे में ज़्यादातर जो शिकायत ये रहती है कि पौधा घना नहीं है, लंबा हो गया है, बढ़ रहा है ज़्यादा मगर घना नहीं हो पा रहा है। तो आप इसके लिए क्या कीजिए, इसकी प्रूनिंग कीजिए। प्रूनिंग इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्रूनिंग करने से कड़ी पत्ते का पत्ता घना होगा और स्वस्थ होगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने इसकी कुछ इस तरह से कटिंग करके रखी हुई थी, देखिए, और ये कितना घना हो गया। अब इसे अगर आप और घना बनाना चाहते हैं तो क्या करिए, इसे ऊपर से थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरह पिंच कर दीजिए, जिससे क्या है नई ब्रांचें आएंगी और आपका पौधा घना हो जाएगा। आप इसकी जितनी पिंचिंग करेंगे, जितनी बार बार, उतनी ही नई ब्रांचेस इस पर आती रहेंगी। फिर भी अगर आपका कड़ी पत्ता ठीक तरह से ग्रो नहीं कर रहा है तो इसकी खाद में आप नॉर्मल छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। छाछ जो लगभग हर घर में अवेलेबल रहती है, ये देखिए मैंने इसमें लगभग आधा ग्लास छाछ ले रखी है ग्लास में, और इसे मैं अब कड़ी पत्ते के पौधे में चारों तरफ से डाल दूँगा। देखिए, आप चाहें तो इसका छिड़काव भी कर सकते हैं, मगर इस तरह डालने से क्या होगा कि सीधे इसका पानी इसकी जड़ों में चला जाएगा और पौधे को न्यूट्रिएंट्स और पोषण तत्व अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, कड़ी पत्ते की केयर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस इसे आप महीने में एक दो बार इसकी गुड़ाई कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए, ज़्यादा पानी इसे नहीं देना है, पानी इसमें जमा हुआ नहीं रहना चाहिए। कड़ी पत्ते का पौधा लगभग हर मौसम में एक ही तरह का बना हुआ रहता है। ये देखिए, ये देखने में काफ़ी खूबसूरत और खुशबूदार होता है। इसे घर में हम कई तरीक़ों से प्रयोग में ला सकते हैं। ज़्यादातर तो इसका प्रयोग हम कढ़ी वगैरह बनाने में करते हैं। इसे कढ़ी पत्ता भी कहते हैं और मीठी नीम भी कहते हैं, क्योंकि ये नीम की ही प्रजाति का पौधा है, मगर ये कड़वा नहीं होता। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कढ़ी पत्ते के पौधे की आप कैसे केयर कर सकते हैं, इसे आप कैसे तैयार कर सकते हैं। कटिंग से ये सबसे ज़्यादा आसानी से तैयार होता है, इसलिए आप अगर इसे अपने घर पर लगाना चाहते हैं तो इसे कटिंग के माध्यम से ही लगाएं। ये हरा भरा देखने में बहुत ही खूबसूरत पौधा है। दोस्तों, मेरे पास ये दूसरा कड़ी पत्ता का पौधा है जिसे मैंने 8 इंच के पॉट पे लगा रखा है। ये देखिए, ये एकदम पूरी तरह से सूख चुका था, मगर अब ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, इसमें जो है पत्तियाँ निकलना शुरू हो गई हैं। इसे उस समय मैंने ज़्यादा पानी दिया था, इस कारण ये इसकी जड़ें गल गई थी और ये सूख कर मुरझा गया था। इसका मैंने डायरेक्ट पौधा लगाया है, इसे मैंने कोई बीज से तैयार नहीं किया है। तो दोस्तों, ये पौधे से भी तैयार हो जाता है, कटिंग से भी तैयार हो जाता है, बीज से भी तैयार हो जाता है, हर तरीके से आप इसे तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कड़ी पत्ता के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।